लोग बैकग्राउंड से भी देख पा रहे होंगे कि मैं वापस आ चुकी हूँ उदयपुर। मेवती बना रही है। बारिश में ना ऐसे घूमने का बहुत अच्छा लगता है। टोनी टोनी यस मैं हूँ। पहुंच चुके हैं स्टूडियो और बाहर से गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं है। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये सेल की प्राइस है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी दिनों बाद आज वापस से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 10-15 दिन हो गए होंगे शायद, और आप लोग बैकग्राउंड से भी देख पा रहे होंगे कि मैं वापस आ चुकी हूँ उदयपुर। और मुझे आए हुए पूरा एक हफ्ता हो चुका है। संडे को मैं आई थी पिछले, और आज है वापस संडे। तो वहाँ पर भी कुछ ब्लॉग नहीं किया मैंने, और आने का भी नहीं किया, और यहाँ पर आके भी नहीं किया। पता नहीं, मेरा मूड ही नहीं था, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरा ब्लॉग बनाने का। और यहाँ पे आके तो मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, और मेहू की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो उस वजह से ब्लॉग नहीं हो पाया। और आज मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज संडे भी है और हस्बैंड बोल रहे हैं कहीं पर चलते हैं। वैसे उनका प्लान था कहीं और जाने का, मुझे घर पर छोड़ के उनके फ्रेंड्स के साथ, लेकिन शायद वो कैंसिल हो गया। तो सुबह फिर मेरे को बोला कि अपन चलते हैं, तो रेडी हो जाना। अभी तो वो गए हैं नीचे, तो नीचे से उन्होंने समोसे वगैरह भिजवाए हैं, तो वो नाश्ता वाश्ता करेंगे और फिर घर की साफ़ सफाई करेंगे थोड़ी बहुत, क्योंकि आज संडे था तो लेट ही उठे थे, तो वो सब भी करेंगे। और मैं हूँ ऑलरेडी नाश्ता कर रही है, तो बस अब नाश्ता करती हूँ मैं, और फिर साफ़ सफाई करके नहा के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं मेहू के लिए दूध वापस गर्म करके उसको दे रही थी, क्योंकि उसको ना बिस्किट के साथ थोड़ा सा दूध दिया था ना, तो अंदर डब्बू डब्बू के खा रही थी। तो अब उसको दूध पीने के लिए बोला तो वो नहीं पी रहे थे, क्योंकि बिस्किट के वो आ रहे थे और ठंडा भी हो गया था दूध। तो फिर मैंने थोड़ा सा उसको वापस से गर्म करके दे दिया, और जो हस्बैंड समोसे लाए थे वो भी मैंने निकाल के खा लूँगी। उसको भी मैंने एक दे दिया था वैसे, लेकिन उसने कुछ खास तो खाया नहीं था। फिर मैं भी उसके पास में जाके बैठ गई थी, और बस अब हम दोनों नाश्ता करेंगे। तो गाइस, सारा काम करके नहा के मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे भिंडी रखी हुई थी 2-4 दिनों से, तो मैंने सोचा चलो आज भिंडी की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे कपड़े में डाल के रख दूँगी थोड़ी देर, क्योंकि फ्रिज में रखी हुई भिंडी ना पानी बहुत छोड़ती है, तो बस थोड़ी देर कपड़े में रखूँगी। और बाहर ना मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, तो देखते देखते खाना बनाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा ठंडा मौसम हो रहा था। तो बस यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी देर कपड़े में रखी भिंडियों को, और फिर इंडिया काट के रख दूँगी एक बार, और फिर एक बार वापस कपड़े में लपेटूँगी। और यहाँ पे मीहू आ चुकी है मेरी हेल्प कराने के लिए। मीहू क्या खाना बना रही है? भिंडी बना रही हो? चलो बनाओ। तो इस तरह से मैंने भिंडी काट के ना रख दी है पंखे में थोड़ी देर के लिए, ताकि इनका पूरा मॉइस्चर निकल जाए। और फिर यहाँ पे प्याज वगैरह डाल के छोंक दी, और यहाँ पे मैं हूँ अब देखो रोटी बना रही है। मैं रोटी बना रही है, चलो घुमाओ अब इसको, रुको ऐसे घुमाओ, अब बनाओ। चलना मेहू मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे करने लग गई है। कुछ भी चीज़ होती है तो उसको खुद से करनी होती है, हर चीज़ करनी होती है। जो भी मैं कर रही होती है ना, हर चीज़ के लिए ज़िद करती है कि मम्मा ये मैं करूँगी, गेट खोलना है, बंद करना है, हर एक चीज़ ले लो, मतलब हर एक चीज़ उसको बोलती है मुझे ही करना है। अगर कुछ केला खा रही है तो छील के दे दूँगी तो बहुत ज़्यादा रोएगी, कुछ भी खा रही है तो वो भी खोल के दे दूँगी तो रोएगी। मतलब अब इस एज में आ गई है कि उसको हर चीज़ सीखनी है, करनी है, और अगर हमने करके दे दी तो फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब रोती है और परेशान करने लग गई है। तो ये वाला फेज तो इतना ख़राब चल रहा है ना, मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि उसको चाहिए क्या होता है, ना तो वो अच्छे से समझा पाती है ना हम समझ पाते हैं, और हर चीज़ में ज़िद्द है बस। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कितनी ज़िद्द कर रही थी वो रोटी बनाने के लिए, बिल्कुल भी आटा दे ही नहीं रही थी। और यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी भी बनके बिल्कुल रेडी हो गई थी, और आप लोग देख सकते हो बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनी है, एकदम खिली खिली बनी थी। गाइस मैं हूँ अब, मुझे रोटी बनाने दे नहीं रही है, आटे पे आटा ले रही है, और बस मुझे मैं ही बनाऊंगी बोल रही है। बाहर तो अभी मैंने देखा तो इतने ज़्यादा मतलब ना वो क्या बोलते हैं इसको, बादल तरह ना एकदम पहाड़ों पर एकदम नीचे टच हो रहे हैं। मैं आप लोगों को ना बालकनी से जाके दिखाती हूँ, इतना सुंदर लग रहा है ना।
तो बस जैसे तैसे करके मेहू को मैंने पटाया और यहाँ पे रोटी बनाने लग गई थी मैं। और आटा मैंने पहले ही लगा के रख दिया था नहाने जाने से पहले, तो बस ये भी रोटी बनाऊंगी। और मेरे से ना ऐसे एक बार बेलन रख के ना रोटी बनाते हैं ना, वैसे रोटी नहीं बनती, ऐसे मैं घुमा घुमा के रोटी बनाती हूँ। मेरी छोटी सिस्टर है ना, वो बहुत ही अच्छे से एक बार बेलन रखेगी और पूरी रोटी बना के ही उठाएगी, तो मेरे से तो ऐसे नहीं बनती है। कि आप लोगों से ऐसे बनती है मुझे कमेंट करके बताना। तो बस यहाँ पर फाइनली मेरी रोटी वगैरह बन गई थी और मेहू के लिए लास्ट में पराठा बनाऊँगी। और हस्बैंड के लिए अभी रोटी नहीं बनाई है मैंने, क्योंकि वो तो सो रहे थे, वो आके सो गए थे, नीचे से आए थे, फिर उन्होंने बोला मुझे खाना खाने के लिए मत उठाना, मैं बाद में उठ के खा लूँगा। और हमारा जाने का जो था बाहर वो भी प्लान कैंसिल हो गया था, तो वो बोल रहे थे देखेंगे शाम को कहीं चलेंगे, तो अभी तो मैं सो रहा हूँ क्योंकि संडे है तो सोने का तो पूरा उनको वो उठाना ही है, तो बस इसलिए फिर मैंने उनको नहीं उठाया। मैंने खाना खा लिया था और मेहू को भी खिला दिया। और उसके बाद में यहाँ पे मैं बना रही थी उनके लिए नमकीन की सब्ज़ी। वैसे मैं भिंडी बना रही थी तभी मुझे पता था कि वो नहीं खाएंगे, लेकिन उन्होंने बोला था कि मैं खा लूँगा, लेकिन फिर मैंने खाना वाना खा के मैंने सोचा कि बना लेती हूँ उनके लिए कुछ अलग सब्ज़ी, होगी मुझे पता है वो नहीं खाएंगे, भिंडी की सब्ज़ी उनको नहीं अच्छी लगती है, वो 2-4 दिनों से पड़ी हुई थी लेकिन ना बोल रहे थे कल बनाना कल बनाना ऐसे करके, तो आज तो मुझे खाने दी इसलिए फिर मैंने मेरे लिए बना दी थी। और इसलिए फिर मैंने सोचा चलो उनके लिए तो अलग सब्ज़ी बना ही लेती हूँ, वैसे भी कुछ नहीं कर रही हूँ। और तब तक वो उठ भी चुके थे, वैसे उन्होंने बोला था लेट उठूँगा लेकिन जल्दी उठ चुके थे। तो बस फिर मैं यहाँ पे उनके लिए सब्ज़ी बना रही थी, उनकी फेवरेट सब्ज़ी है सेव टमाटर की, और उनको ना टमाटर डाल के बनाते ना वो अच्छी नहीं लगती है, और मुझे टमाटर डाली हुई अच्छी लगती है, तो फिर आज मैंने उनके लिए बिना टमाटर की बनाई क्योंकि मैं तो खाना खा चुकी थी भिंडी की सब्ज़ी के साथ, तो इसलिए बस ये सब्ज़ी वगैरह बनाई। और आटा भी लगा के मैंने उनके लिए रख दिया था, नहीं रोटी नहीं बनाई थी मैंने क्योंकि मैंने सोचा था उठेंगे तब भी मैं गरम गरम रोटी बना के दे दूँगी। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी बन गई है मेरी, बिल्कुल रेडी है, और बस अब उनको गरम गरम रोटी बना के दे दूँगी तो वो भी खाना खा लेंगे, और फिर देखेंगे कहीं जाएँगे तो, क्योंकि मौसम ना काफ़ी अच्छा हो रहा है बाहर, तो ऐसे मौसम में लगता कि कहीं ना कहीं चलते हैं बाहर। तो मैंने बताया था आप लोगों की हमारा कहीं बाहर जाने का हो रहा है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। वैसे जाना तो कहीं और था, हमें आज रायता जाने का प्लान था हमारा, लेकिन फिर वो तो हो नहीं पाया, वो तो कैंसिल हो गया, ये भी सो गए थे। और अब बोल रहे हैं कि चलते हैं सिटी, ऐसे ही घूम के आ जाते हैं। स्टूडियो की सेल भी चल रही है तो देखेंगे, स्टूडियो में भी जाके आएंगे, देख के आएंगे। और ना मुझे भी लग रहा है कुछ भी अच्छा नहीं लगने वाला है स्टूडियो मुझे, क्योंकि मैंने आज स्टूडियो की टी शर्ट पहनी है। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है जब भी मैं स्टूडियो के कपड़े पहन के जाती हूँ ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आता है मुझे वहाँ पे, मतलब ऐसा मुझे लगता है। तो देखते हैं कुछ समझ में आएगा तो लेके आएंगे, सेल काफ़ी अच्छी चल रही है। तो मैं हूँ और मेरे पापा चले गए हैं नीचे, और अब बस मैं भी जा रही हूँ, तो चलिए चलते हैं। तो आज मेहू बैठी है पीछे हमारे, अब मेहू ना बड़ी हो गई है तो मेहू को पीछे ही बिठाएंगे, है ना मेहू? मामा बैठेगी आगे और मेहू बैठेगी पीछे, ठीक है ना? तो हम लोग निकल गए, ये देखना ये कितना अच्छा लगता है ना, ये बादल है ना एकदम से ना पहाड़ों के ऊपर, गाइस देख सकते हो आप लोग कितना सुंदर लग रहा है ना। तो गाइस वैसे तो पूरे दिन से बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे ही हम लोग निकले हैं बारिश भी पता नहीं कहाँ चली गई है। बारिश में ना ऐसे घूमने का बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं उधर होगी तो होगी शायद, लेकिन इस साइड तो बिल्कुल नहीं है। अरे ये धुआं है, लेकिन बोल रही हूँ ना ये वो नहीं है, ये बादल है, ये तो बादल है। तो आगे नहीं बैठी है, तो पीछे बैठी है, वो बोल रही मैं आगे बैठी हूँ। आगे तो मम्मा बैठी है, मैं तू पीछे बैठी है। तो धूप आ गई यार, जोनी जोनी हाँ पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टर्निंग लाइन नो पापा, ओपन योर माउथ पागल लड़की, तू बोल पापा, पापा बोलेंगे यस पापा, तू बोल। टोनी टोनी यस मैं हूँ, नो मैं हूँ, बस इतना ही आता है। टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ गाइज। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं स्टूडियो, और बाहर से गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं है,
इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई पड़ी है, दूर पार्क करी है गाड़ी और अब जाते हैं देखते हैं। और आज हम ना शोभापुरा वाले स्टूडियो में आए हैं क्योंकि इधर थोड़ी पार्किंग की व्यवस्था ठीक है, उधर वो सूरज पोल वाले में तो बिल्कुल भी जगह नहीं होगी हमारे हिसाब से, इसलिए हम इधर ही आए हैं। तो अब चलते हैं और देखते हैं क्या है कलेक्शन। तो यहाँ पे तो हम लोग आ गए थे स्टूडियो में और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था हस्बैंड को, तो आप लोग उनके रिएक्शन देख सकते हो। और फिर जैसे तैसे करके मैंने शॉपिंग करी थी मेरे लिए थोड़ी बहुत, और फिर हम लोग आ गए थे फिजी फिज की कॉफ़ी पीने के लिए। तो कोल्ड कॉफ़ी ली थी, मेहू सो चुकी थी तो हम दोनों ने कोल्ड कॉफ़ी पी, और आज विदाउट आइसक्रीम ही ली थी क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रहा था। और फिर हम लोग गए थे मार्टिनोज़ में पिज़्ज़ा खाने के लिए, अभी नया नया खुला है मार्टिनोज़ उदयपुर में। तो हम मैं जब मेरे घर गई थी वहाँ पे, तो गुजरात में तो बहुत सारे हैं वैसे, तो हमारे वहाँ भी है, तो वहाँ पे तो हम दो तीन बार गए थे अभी अभी खाने के लिए, तो अच्छे लगते हैं मार्टिनोज़ के पिज़्ज़ा, तो इसलिए रास्ते में ही पड़ता है। तो हमने सोचा कि चलो, हस्बैंड ने बोला था वैसे कि चलो पिज़्ज़ा खिला देता हूँ मैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पिज़्ज़ा खाना। तो ये हमने गार्लिक ब्रेड ली थी, और ये पनीर टिक्का वाली थी शायद गार्लिक ब्रेड, और ये पिज़्ज़ा लिया था। तो ये वाला फ्लेवर ने एक बार हस्बैंड लेके आए थे मेरे लिए अभी, तो ये मुझे अच्छा लगा था इसलिए फिर मैंने ये ही बड़ा वाला लिया। और फिर हस्बैंड ने एक ही स्लाइस खाया और पूरा मुझे खाना पड़ा, तो ना बहुत ही मुश्किल से मैंने खाया था। अब ले तो लिया और बिल्कुल खाया नहीं जा रहा था मेरे से, और अभी आप लोग देखना मैं जब खाऊंगी ना तो एकदम इतना गर्म था ना मेरा मुँह ही जल जाएगा। तो फाइनली आ गए हैं घर वापस, मेहू सो रही है और उसके पापा नीचे ही अभी तक, और स्टूडियो गए थे और कॉफ़ी पी के पिज़्ज़ा खा के वापस आ गए हैं और कहीं नहीं गए क्योंकि काफ़ी लेट ही निकले थे घर से, और आज जाना तो कहीं और था लेकिन वहाँ जा नहीं पाए, इसलिए फिर इन्होंने सोचा चलो शाम को सेल देख के आ जाता है स्टूडियो की। बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह आ रही थी सेल के बारे में, तो जैसा रील्स में बता रहे वैसा तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, इतना कुछ खास कलेक्शन नहीं है, बेकार कलेक्शन लगा मुझे तो इस बार। और मेंस वेयर में तो ये लग रहा है कि मतलब सेल के लिए कुछ अलग ही कपड़े बनवाए हैं उन्होंने, एकदम चीप क्वालिटी के, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। इन्होंने बस एक ट्राउज़र लिया है वो सेल में नहीं था वो, और एक शर्ट लिया है, बाकी कुछ भी नहीं लिया। बाकी इनको कपड़े अच्छे लगते हैं, स्टूडियो के टी शर्ट वगैरह लेते हैं, लेकिन इस बार कुछ भी अच्छा नहीं था। प्लस किड्स वेयर पर इतना कुछ खास नहीं था, और जो अच्छा था उस पर सेल नहीं थी। और लेडीज़ में थी, मतलब लेडीज़ में ड्रेसेस पे ज़्यादा था, ड्रेसेस का जो 800 वाली थी शायद मैं अभी देखूंगी, वो 500 में मिल रही है, तो बस उस पर ही मुझे वो थोड़ी सही लगी, बाकी कोई सेल नहीं है, किसी भी सेल नहीं है। और जो सेल है कुर्तीज़ वगैरह वो बिल्कुल भी मुझे तो सही नहीं लगी, और जो अच्छा लग रहा था मुझे उस पर सेल थी नहीं, और सेल वाले कपड़े मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। और मैं ना घर से सोच के गई थी कि आज अगर मैं स्टूडियो से कुछ लूँगी तो जो सिर्फ सेल में होगा ना वो ही लूँगी, बाकी तो नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि अभी कुछ चाहिए नहीं, लेकिन सेल के हिसाब से गए थे तो फालतू में मैं नहीं लिया कुछ भी। फुटवेयर में मेरी साइज़ मिली नहीं, और ना मुझे वहाँ सफोकेशन होने लग गई इतने सारे लोगों में, तो मैं वहाँ से बाहर आ गई क्योंकि मुझे तो नहीं लगा वर्थ इतना लोगों में ऐसे ही हटा हटा के देखना पड़ रहा था। और नीचे तो जैसे ढेर पड़ा है चप्पलों का, उसमें ढूंढ के लो अपनी साइज़, और इतने कुछ खास कलेक्शन वैसे भी था नहीं, तो इसलिए मेरे को लेनी थी फ्लैट्स, लेकिन 150 में मिल रही थी, लेकिन फिर मैंने छोड़ा, मैंने बोला छोड़ो अभी सेल के चक्कर में मैं हर कुछ उठा के ले आऊँगी, इससे अच्छा बाहर से ले लेंगे। और बाकी लाई हूँ दो ड्रेसेस, मतलब एक कुर्ती लाई हूँ एक ड्रेस लाई हूँ, और मेहू के लिए दो ड्रेसेस लिए हैं, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्योंकि मेहू सो रही है, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो गाइज़ ये है हमारी आज की स्टूडियो की शॉपिंग, तो चलिए मैं एक एक करके आप लोगों को दिखा देती हूँ, इनके कपड़े नहीं दिखाऊंगी, मेरे और मेहू के दिखा देती हूँ। तो गाइज़ सबसे पहले मैंने ली है ये वाली कुर्ती, नहीं है ड्रेस से मतलब, और मुझे ना इस टाइप की ड्रेस चाहिए थी एथनिक में, मतलब इसको सिंगल भी वेयर कर सकते हैं, एज ए कुर्ती भी वेयर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ना ये 800 वाली है, हाँ, तो इस टाइप की ड्रेसेस ना 500 में मिल रही है, तो मेरे हिसाब से ये सही है, मतलब इसके वैसे भी 500 ही होना चाहिए रेट, 500 में सही है ये। तो ये आप लोग देख सकते हो ये सेल की प्राइस है, और ये है ओरिजिनल प्राइस 799, तो ये मुझे ठीक लगी 500 में, तो फिर मैंने ये ले ली। और इसकी ना एस साइज़ भी मुझे लूज़ हो रही है, बाकी मैं कपड़े वैसे तो एम पहनती हूँ लेकिन ये एस भी मुझे लूज़ हो रही है, लेकिन मैंने सोचा ठीक ही है, थोड़ी ज़्यादा थोड़ी सी लूज़ ही अच्छी लगती है। और फिर ना ये कुर्ती ली मैंने,
ऐसे पहनने के लिए रेगुलर। ये 200 की है, वैसे ये ना 400 की है, तो इसमें तो शायद नहीं था कुछ भी, सिर्फ मुझे एक ही ये कुर्ती दिखी जो 199 की थी, बाकी तो कुछ ही नहीं था 199 का, सब 300 से स्टार्टिंग था, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से मुझे दिख गई, जो भी इस वाले लाइन में लगी हुई थी ये मुझे दिख गई, प्रिंट वगैरह सही लगी मुझे, इसलिए फिर मैंने ये ले ली। और इसमें मैंने साइज़ कौन सा लिया, इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल लिया है तो आजकल पता नहीं है तो मैं पतली हो गई हूँ या ये लोग कपड़े बड़े बनाने लग गए, बाकी मैं नॉर्मली सारे कपड़े एम में ही पहनती हूँ, तो ये इस टाइप की लॉन्ग कुर्ती है, स्ट्रेट है मतलब वैसे तो ये भी मुझे सही से आ गई है, तो मैंने तो बस ये लिया है मेरे लिए। और अब मैं दिखाती हूँ आपको मेहू के लिए, मेहू के लिए एक ड्रेस ली है ये भी सेल में थी, बाकी ये है 500 की और सेल में थी 300 की। और एक ये जंप सूट है, ये तो ये जंप सूट है, तो ये भी सेम प्राइस का ही है शायद, हाँ ये भी 500 का है और 299 का है। तो मेहू का भी पता नहीं, ये 9 to 12 साइज मेहू का आगे मैंने ट्रायल कराया था, तो पता नहीं ये लोग कपड़े ज़्यादा ही बड़े बनाने लग गए हैं शायद, और वो तो नॉर्मल साइज ही है, मैंने मेहू की 2 ईयर्स वाली वो भी उसको आ गया है। और बाकी ये मेहू में बहुत ज़्यादा रो रही थी बिलिंग कराते वक्त, तो ये दो चीज़ें उसने खुद से डाल दी, तो मैं तो ये जा रही थी ना मैं बिलिंग, तब मैंने देखा कि ये भी है, फिर बोला ठीक है रहने दो, अब ये है वेट वाइप्स और लिप बाम, वैसे मेरी लिप बाम इसने पूरी अंदर उंगलियाँ डाल डाल के ख़राब कर रही थी, फिर मैंने बोला चलो ले लो ये, तो बस यही शॉपिंग थी मेरी, तो और कुछ नहीं लिया मैंने, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा तो सफोकेशन होने लग गया था, इतने लोग थे, मतलब खड़े रहने की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, चप्पलों में तो इतना मतलब यूँ अनहाइजीनिक लगने लग गया था मुझे कि मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए फिर मैंने नहीं ली। बाकी फ्लैट्स में अच्छा था, आपके पैर छोटे हैं तो आप जाके ला सकते हो, बाकी मेरे साइज़ का तो कुछ भी नहीं मिला मुझे वहाँ पे, तो बस यही थी आज की शॉपिंग। तो गाइस अब हम खाएंगे मालपुआ, वैसे खाने की इच्छा तो हो नहीं रही है मेरी मीठा मीठा, लेकिन लेके आए हैं तो टेस्ट कर लेती हूँ रबड़ी वाले मालपुए। अरे तो फूल ही नहीं रहा, फूल तो ये है रबड़ी वाले मालपुए, मेरे बिल्कुल भी मीठा खाने की इच्छा नहीं हो रही, मुझे बस टेस्ट करने है। आज हरियाली अमावस है ना, तो ऐसा ये बोल रहे हैं कि आज के दिन मालपुए खाते। अरे यार क्या कर रहे हो आप, रेली चला रहे हो, आज हरियाली अमावस है ना तो यहाँ पे सब लोग मालपुए खाते हैं, तो फिर हम लोग भी लेके आए, उसके पीछे क्या रीज़न है जो मुझे नहीं पता है, लेकिन सब खाते तो हैं। मेहू टेस्ट करना है, नो ओके क्या खाना है ये लो। तोड़ के दे बेटा इसको, खुद से ही खाए, मम्मा को बोलो तोड़ेगी, मम्मा दे तोड़ ना बेटा, मम्मा को तोड़ दो, मेहू को तोड़ के दो, मेहू खाएगी, ये लो बेटा रख दे, वहां तोड़ के रख दे, खा लेगी वो, तोड़ के खाओ बेटा, गंदे हो जाएंगे कपड़े। किसी के जैसे लग रहे हैं, कुछ खाते हैं ऐसा उसके जैसे लग रहे हैं। मिठाई आती है ना मलाई वाली, मावे वाली, रबड़ी नहीं यार। गुलाब जामुन जैसे लग रहे हैं, गुलाब जामुन भी वही यूज होता है, ज्यादा नहीं खा सकते इतना मीठा है। मैं खेला ना
तेरे लगा रही बेल्ट को। अरे यार मैं हूँ मत करना। खा ले बेटा। चिट्टी आ जाएगी। सेम गुलाब जामुन है बस बनाया गया अलग प्रोसेस से। बाकी सेम वही टेस्ट आ रहा है वही चाशनी है। मीठा कम है मीठा तो कम है लेकिन चिपचिपा बहुत है। अच्छा पापा ये कपड़े ऐसे खराब करती है पता है। पापा खा लेंगे तू खा ले तू खा ले पापा खा लेंगे तू खा ले। तो गाइस अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।